सब्सक्राइब कीजिए टेक क्रेज चैनल को और बेल आइकन को दबाइए लेटेस्ट टेक्नोलॉजी वीडियोस सबसे पहले देखने के लिए। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। हाजिर हूँ एक और न्यू इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ। फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में मैं आपको ये सिखाने वाला हूँ कि आप किस तरीके से किसी भी मोबाइल में से डाटा देख सकते हो, पिक्चर्स, वीडियोस या कोई भी फाइल आप उसके मोबाइल में से देख सकते हो। अगर उसने अपने मोबाइल के ऊपर पैटर्न लॉक लगा रखा है, उसके बावजूद भी आप उसका तमाम डाटा देख सकते हो बड़ी आसानी से। गाइस, फॉर एग्जांपल, कभी कभी ऐसा होता है कि आपके कजन्स, फैमिली मेंबर्स, फ्रेंड्स या किसी ने भी अपने मोबाइल में मुख्तलिफ एप्लीकेशन के जरिए अपनी गैलरी को लॉक लगा रखा होता है, अपने फाइल मैनेजर को लॉक लगा रखा होता है, जिसके जरिए आप उसके मोबाइल में से कोई भी डाटा नहीं देख सकते। आप उसके मोबाइल में से अगर कोई पिक्चर्स, वीडियोस वगैरह देखना चाहते हो तो आप नहीं देख सकते, बिकॉज उसने अपने मोबाइल की गैलरी के ऊपर, अपने मोबाइल के फाइल मैनेजर के ऊपर लॉक लगा रखा होता है। लेकिन आज जो मैं आपको तरीका बताने वाला हूँ, इसके जरिए आप बगैर उसके मोबाइल में से वो एप्लीकेशन डिलीट किए या बगैर लॉक तोड़े आप उसके मोबाइल में से वो तमाम डाटा देख सकते हो बड़ी आसानी से। बिल्कुल सिंपल सा तरीका है जो मैं आपको आज बताने वाला हूँ, आप बड़ी आसानी से ये कर लेंगे और आपको कोई जरूरत नहीं है उसके मोबाइल में से वो एप्लीकेशन डिलीट करने की या उसका लॉक तोड़ने की। आप बगैर लॉक तोड़े उसके मोबाइल में से वो तमाम डाटा देख सकते हो जो आप देखना चाहते हो, और आप अपने फ्रेंड्स को हैरान कर सकते हो पिक्चर्स, वीडियोस देखकर। तो गाइज, अगर आप ये सीखना चाहते हो तो सिंपल इस वीडियो को शुरू से लेकर आगे तक देखते रहिए। चलिए शुरू करते हैं। तो फ्रेंड्स, हम आ चुके हैं अपने मोबाइल में। अब मैं आपको दिखाता हूं कि आपने किस तरह से किसी भी मोबाइल में से कोई भी डाटा देखना है। अगर उसने लॉक लगा रखा है अपनी गैलरी को, अपने फाइल मैनेजर को, तो आपको कोई ज़रूरत नहीं है उन लॉक्स को तोड़ने की। आप बड़ी आसानी से उसका तमाम डाटा, पिक्चर्स देख सकते हो। सबसे पहले आपने किसी भी ब्राउज़र में जाना है। मैं गूगल क्रोम यूज़ कर रहा हूँ, आप भी यही यूज़ करेंगे तो बेटर है। इस ब्राउज़र में आने के बाद गाइस, ये आपने उसी मोबाइल में करना है जिसका आप डाटा देखना चाहते हो। आपने यहाँ पे ऊपर लिंक बार में जाना है। यहाँ पे आपने सबसे पहले टाइप करना है फाइल, FILE। उसके बाद आपने कॉलन टाइप करना है यहाँ से, ये वाला। उसके बाद गाइस आपने ये स्लैशेस टाइप करनी है 3 दफ़ा, और उसके बाद आपने SDCARD टाइप करके एंड में एक दफ़ा फिर से स्लैश टाइप कर देना है। ठीक है गाइज, ये जब आप टाइप कर लेंगे तो उसके बाद आपने यहाँ पे गो बटन पे क्लिक कर देना है या इसको आपने सर्च कर लेना है। ठीक है, मैं इसको सर्च कर लेता हूँ गाइज। जैसे ही आप इसको सर्च करेंगे, ये देखें, वो तमाम मोबाइल का फाइल मैनेजर मेरे पास ओपन हो चुका है। इस मोबाइल में अगर लॉक भी लगा होगा तब भी ये तमाम डाटा आपके पास जो हो जाएगा। मैं इसमें से आपको कुछ पिक्चर्स देख के दिखाता हूँ। यहाँ पे गाइज आपने जाना है DCIM में, अगर आप पिक्चर्स देखना चाहते हो। जैसा कि आप जानते हो कि एंड्रॉयड मोबाइल में ये DCIM का फोल्डर होता है, आपको तमाम फोल्डर्स मिल जाएंगे। फॉर एग्जांपल, ये डाउनलोड्स का फोल्डर है, मैं इसमें जाता हूँ तो इसमें ये जितना भी डाटा पड़ा है मेरा, ये तमाम मेरे पास आ जाएगा। उसके बाद मैं बैक आता हूँ, उसके बाद मैं दोबारा DCIM में जाता हूँ। यहाँ पर देखें, मेरे पास कैमरा का ऑप्शन, मैं इसको जूम भी कर सकता हूँ। कैमरा में मैं जब जाऊँगा तो यहाँ पर मेरे पास वो तमाम फ़ोटोज़ शो होंगी जो मेरे कैमरा में पड़ी हैं। मैं उनके ऊपर क्लिक करके इस तरह से उनको देख भी सकता हूँ, को जूम भी कर सकता हूं। तो उसके बाद नेक्स्ट फोटो देखने के लिए सिंपल इसको बैक करें और दूसरी फोटो पे क्लिक करें, आप वो भी फोटो देख सकते हैं। तो गाइज, ये है तरीका आपके मोबाइल में से कोई भी डाटा देखने का। आप वीडियोस, पिक्चर्स कुछ भी देख सकते हो यहां से। तो मैं उम्मीद करता हूं आपको पसंद आएंगी ये तमाम वीडियोस जो मैं अपने चैनल पे अपलोड करता रहता हूं, और आज की ये वीडियो भी आपको अच्छी लगी होगी। अगर आपको आज की ये वीडियो पसंद आई है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर ज़रूर करें। ओके फ्रेंड्स, थैंक्स फॉर वॉच, प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल फॉर मोर वीडियोज़ लाइक डैट। अल्लाह हाफिज़।